जिथे जिथे जाते शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसायला, इथून फक्त एकच आवाज येतो की साहेब काय झालं तिथे मुख्यमंत्री शिवसेनेचा दमा, तरच शेतकऱ्यांना चांगले दिवस कोई प्रस्ताव न आएगा न जाएगा। प्रस्ताव जो पहिले से था ठरल्याप्रमाणे करा, जो तय हुआ है, जिस बातों पर सहमति हुई है वही आप आगे लेकर जाइए, यही प्रस्ताव है। नया मंत्री यानी मुख्यमंत्री पद को लेकर सहमति नहीं बनती है तो शिवसेना बात नहीं करेगी। मुख्यमंत्री पद पर सहमति बनी थी, अभी नहीं बनी थी, अब नहीं, चुनाव से पहले बनी थी। कितने बार सहमति बनी, जो बनी थी उसके मुताबिक गठबंधन हुआ है, उसके मुताबिक हमने चुनाव लड़े। नितिन गडकरी को सामने लाया जा रहा है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि शिवसेना के और बीजेपी के राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। अगर महाराष्ट्र पर बिना वजह राष्ट्रपति का शासन थोपने की कोई साजिश कर रहा है तो ये महाराष्ट्र की जनता का जनादेश का सबसे बड़ा अपमान होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र के साथ अन्याय होगा और ये अधर्म की जीत होगी। एनसीपी ने आपको 2.5 साल के मुख्यमंत्री का प्रपोजल दिया होगा, देखिए वो हम बात करें। बीजेपी कह रहा है कि शिवसेना बात ही नहीं करी, हम तो पहले दिन से मैसेज भेज रहे हैं, मुख्यमंत्री ने भी को फोन किया था लेकिन शिवसेना ही बात नहीं करी। मैंने कहा ना आपको बात करने की जरूरत नहीं, जो बात पहले तय हुई थी उस बारे में ही बात सर। आज जो पवार साहब मीटिंग आज हमेशा मंदिर।